ये यज्ञ सैनी ने बताया कि ये सद्बुद्धि यज्ञ है। सद्बुद्धि किसको देना चाहते हैं सर? आपका नाम? अजीत यादव। यादव जी, ये आज जो आपने सद्बुद्धि यज्ञ है, ये हम भारत सरकार के तमाम राजनेताओं को, लेडी हार्डिंग के निर्देशक महोदय डायरेक्टर सर को, डीडीए सर को, उन सबको हम सद्बुद्धि देना चाहते हैं कि इस यज्ञ के द्वारा माँ सरस्वती इनको सद्बुद्धि दे कि आज का यूथ, ये युवा बेरोजगार होकर के इन्होंने जो सड़क के किनारे खड़ा कर दिया है, ये कहाँ जाएगा। माँ सरस्वती से दुआ की हमने कि इनको सद्बुद्धि देकर इनसे विनती की कि भाई इन बंदों को वापस ज्वाइन पे ले, क्योंकि 2-3 साल पहले मोदी सरकार आई थी, हर युवा को एक जोश था कि मोदी सरकार आएगी, युवाओं को रोज़गार देगी। 2 साल के बाद में जब इन्हीं युवाओं को ला करके उस बेरोज़गारी के उस कटकड़े पर खड़ा कर दिया गया है, जहाँ इनके पास एक और मौत का खाई है, दूसरी और कुछ भी नहीं है, जब जॉब छीन लिया गया, कहाँ जाएंगे? बेरोज़गार हो गए युवा। मोदी सरकार युवाओं को रोज़गार देने की बात करती है, कहाँ है रोज़गार? रोजगार दिया हुआ छीन रही है मोदी सरकार। इस हवन के माध्यम से हम इनको बताना चाहते हैं, इनको संदेश देना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो सोमवार से हमारा भूख हड़ताल कंटिन्यू जारी रहेगा। उसमें हम मेल स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर और फीमेल नर्सिंग ऑफिसर दोनों ही इसमें हम भाग लेंगे और ये कंटिन्यू रहेगा, चाहे हमें जॉब दो या मौत दो। मेरी मोदी सरकार से विनती है कि आप तो युवाओं के भरोसे हो, आपने तो आज तक जितने इलेक्शन लड़े हैं युवाओं के भरोसे लड़े हैं, हर युवा आपके साथ, फिर आप इन युवाओं के साथ इतना अत्याचार कैसे सहन कर सकते हो, कैसे करेंगे? मैं मोदी जी से जानना चाहता हूँ ये चीज़। सर, मोदी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास और आप लोग इस रोड पर बैठे हैं। सर, सबका साथ सबका विकास तो हम तब माने ना जब इन युवाओं को रोज़गार मिल जाए, कि युवाओं को हमने रोज़गार दिया है, युवाओं ने मोदी जी का साथ दिया है, वहाँ ठीक है कि सबका साथ मिला है, लेकिन विकास नहीं हुआ सबका। विकास की पोजीशन आप देख रहे हो, आज 26 दिन से नर्सिंग ऑफिसर जहाँ मरीजों की सेवाएं करते थे, आज इनको आंदोलनकारी बना दिया इस मोदी सरकार ने, और आगे पता नहीं क्या क्या बनने को मजबूर करेगी मोदी सरकार अब।